यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024। चलिए बच्चों देखते हैं कि पिछली साल 2023 में कैसा रहा था 10th और 12th का रिजल्ट यूपी बोर्ड में। तो यहां पर देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड 2024 पिछले एकेडमिक वर्ष 2022-23 में दसवीं में कुल बच्चों 89.78% बच्चे पास हुए थे, यानी कि लगभग 90% रिजल्ट रहा था। मतलब 10 में से 9 लोग पास हो गए थे। केवल वही लोग फेल हुए थे जिनकी कॉपी में बिल्कुल कुछ नहीं लिखा था, जो सादी बिल्कुल ब्लैंक कॉपी छोड़कर आए थे, कुछ भी नहीं लिख पाए थे। इसके बाद लड़कों का जो परसेंटेज रहा था वो 86% रहा था, यानी 100 में से लगभग 86 लड़के, और लड़कियों का जो परसेंटेज रहा था हाई स्कूल में वो 93.34% रहा था, यानी 93 लड़कियां 10th में पास हो गई थी आउट ऑफ 100 लड़कियों में। यानी लड़कों का रिजल्ट लड़कियों के मुकाबले थोड़ा कम रहता है, ये हमेशा से रहता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें तो बच्चों 10 में से 9 लोग पास हो जाते हैं, 100 में से 90 लोग सफल होते हैं यूपी बोर्ड में। अब इंटरमीडिएट की बात करें, यहां पर टॉपर का के बारे में बताया गया कि प्रियांशी सोनी ने यहां पर 98.33% के साथ टॉप किया था। लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहता है ज्यादातर, यहां पर पिछले साल भी ऐसा ही यहां पर आंकड़ा देखने को मिला था कि पिछले साल लड़कों से बेहतर प्रदर्शन लड़कियों ने किया था। यहां पर दसवीं में लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.64 था और लड़कियों का जैसा कि बताया 93.34 था। इंटरमीडिएट की बात करें कि बारहवीं में भैया बात करें तो बारहवीं में लड़के लगभग 69% पास हुए थे। मतलब इंटर में थोड़ा फेल होने की संभावना रहती है, एक सब्जेक्ट में अगर चले जाते हो एक से तो उसमें कंपार्टमेंट देने का मौका मिलता है। अगर एक सब्जेक्ट में जाते हो तो उसमें कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आपको ऑप्शन खुला होगा, परीक्षा पास कर सकते हो आप उस एग्जाम को देके, उस विषय का पेपर कंपार्टमेंट पेपर देके। लेकिन अगर दो या दो से अधिक विषय में फेल हो तो भैया फेल मान लिए जाओगे। लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 12th में 83 रहा था, यानी यहां पर भी लड़कियां लड़कों से आगे थी। तो 69% और 83% यहां पर रिजल्ट रहा था 12th परीक्षा में सन 2023 में। बच्चों इससे आपको आइडिया लग जाता है कि इंटरमीडिएट में लगभग 10 में से 8 लोग मोटे मोटे तौर पर पास हो जाते हैं, 100 में से 80 लोग पास ही होते हैं। फेल केवल वही छात्र छात्राएं हो सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल कुछ अट गट सट लिखा हुआ है, बिल्कुल कॉपी में कुछ प्रेजेंटेशन नहीं की है, कुछ भी लिखा है गाली गाने शायरी या गुरुजी को पत्र लिख दिया कि भैया गुरुजी पास कर दीजिए, ये प्रॉब्लम थी। तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है, रिजल्ट आपका अच्छा आने वाला है। देखते हैं कि रिजल्ट की डेट क्या होने वाली है। जैसा कि बच्चों सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी ने बताया था कि पिछली साल 25 अप्रैल को रिजल्ट देके यूपी बोर्ड ने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार 25 अप्रैल से पहले ही यूपी बोर्ड का परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में यूपी बोर्ड रिजल्ट इंटर और हाई स्कूल साथ में ही आता है। अगर ट्रेंड पर गौर करें तो इस साल भी यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट एक ही दिन जारी होगा। जानिए पिछले 5 सालों में कब जारी हुआ था। बच्चों 2019 में यह रिजल्ट 27 अप्रैल को घोषित कर दिया गया था, 2020 में 27 जून को, 2021 में 31 जुलाई, 2022 में 18 जून और 2023 में 25 अप्रैल, और इस बार 25 अप्रैल से भी पहले रिजल्ट जारी करने को कहा जा रहा है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी ने यह बताया था कि इस बार भी रिकॉर्ड बनाएगा, यानी कि 15 अप्रैल के आसपास, 18-19 अप्रैल के आसपास रिजल्ट आएगा। अगर तब भी ना आया तो 20 अप्रैल के बाद कभी भी रिजल्ट घोषित हो सकता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड तौर पर 25 अप्रैल से पहले रिजल्ट को घोषित करने का प्लान यहां पर यूपी बोर्ड कर रहा है। तो 20 अप्रैल के बाद कभी भी रिजल्ट की सूचना और रिजल्ट जारी किया जा सकता है। 12 बजे आपका रिजल्ट जारी किया जाता है, ठीक है, 12 बजे और 1 बजे यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होगा। अब यहां पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि जो कॉपियों कि चेकिंग का काम था वो तय सीमा से पहले ही 16 मार्च से 31 मार्च तक किया जाना था, लेकिन 12 कार्य दिवस में ये 30 मार्च तक कंप्लीट कर लिया गया। यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन, लाखों करोड़ों कॉपियों का मूल्यांकन यहां पर 12 दिन में किया गया है, यानी कि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को पास किया गया है।
किया गया होगा। फेल केवल ऐसे ही छात्र छात्राएं हो सकते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा या बिल्कुल बेकार लिखा हुआ है। तो मूल्यांकन कार्य तेजी से हुआ तो रिजल्ट भी तेजी से आने वाला है। बच्चों कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, कितने नंबर चाहिए इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के लिए? यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 नंबर होना चाहिए। मतलब 100 अंक की अगर परीक्षा है तो उसमें पास होने के लिए 33 अंक मिनिमम होना चाहिए। ऊपर कितने ला सकते हो ये आपके बस की बात है। ऊपर आप जितने हाईएस्ट भी ले पाओ, 100 में 100 भी अगर आप लाते हो तो वो आपकी कारीगरी है, लेकिन 33 नंबर 100 में आपको मिनिमम चाहिए बच्चों पास होने के लिए। अब कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं जहां पर 70 का पेपर और 30 का प्रैक्टिकल होता है, 70 का पेपर और 30 का प्रैक्टिकल होता है बच्चों। तो यहां पर आपको 70 में 23 नंबर पास होने के लिए थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 10 नंबर पास होने के लिए चाहिए। प्रैक्टिकल में 25, 26, 28, 30 सबको मिलते हैं, 29, 30, तो वहां पे दिक्कत की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। 70 में मिनिमम आपको 23 नंबर लाना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आपको 70 में से 23 नंबर लाना है। हाई स्कूल में भी 70 नंबर के पेपर होते हैं, तो उन्हें भी पास होने के लिए मैथ, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, उर्दू, किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम 23 नंबर लाने होंगे। और प्रैक्टिकल फाइल के उन्हें 30 नंबर मिलते हैं जो कि कॉलेज से दिए जाते हैं। सो यहां पर अगर कोई स्टूडेंट एक या दो विषय में पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाता तो उसे कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अगर दो से ज्यादा विषय में फेल होता है तो वो फेल कहलाएगा, उसे वो कक्षा दोबारा पढ़नी होगी। अब यहां पर एक बात क्लियर समझ लो, अगर इंटरमीडिएट में आप एक विषय में फेल है तो आपको कंपार्टमेंट में बैठने का मौका मिलेगा, आप उसकी परीक्षा देकर पास हो सकते हो। हाई स्कूल में अगर दो सब्जेक्ट में फेल हो, तो एक में आप कंपार्टमेंट की परीक्षा भर देंगे, उसमें पास हो जाएंगे परीक्षा देके। अगर आप एक में फेल भी रहते हो तब भी आपको पास ही माना जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट में केवल एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट एग्जाम डाल पाओगे। जो कंपार्टमेंट के फॉर्म हैं बच्चों, वो रिजल्ट निकलने के कुछ दिनों बाद घोषित किए जाते हैं। एक महीने तक फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म भरने के बाद उसकी परीक्षा होती है, वही जून जुलाई में परीक्षा होती है और मैक्सिमम अगस्त तक उसका रिजल्ट निकल आता है। कभी कभी जुलाई में भी रिजल्ट आ जाता है और आप अगली कक्षा में प्रवेश कर पाते हो। एक ऑप्शन आपको और मिलता है, अगर आपको लगता है कि भैया हमारी कॉपी गलत तरीके से जांची गई है, जितने नंबर मिलना चाहिए थे उतने नंबर नहीं मिले। मान लीजिए मैथ की कॉपी आपने 10th में लिखी, हाई स्कूल में आपको लग रहा था कि भैया 65 नंबर तो आ ही जाएंगे हमारे, और वहां पे उन्होंने धर दिए 30 नंबर। तो अब आप ये करो कि ₹500 प्रति सब्जेक्ट स्क्रूटनी का फॉर्म भर के, यानी कि कॉपी रीचेकिंग, एक बार फॉर्म जब आप भरेंगे तो फिर आपकी कॉपी निकाली जाएगी और फिर से उसको एक बार चेक किया जाएगा कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, यानी कि एग्जामिनर से कुछ पेज चेक करने में तो नहीं छूट गए हैं, या फिर एग्जामिनर ने जानबूझकर तो गलत या कम नंबर नहीं दिए, या आपका सही क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया है। ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो आपके नंबर अगर बढ़ रहे होंगे तो फिर बढ़ा के उसका रिजल्ट आ जाता है स्क्रूटनी का, अगर नहीं बढ़ रहे होंगे तो अंक उतने ही रहते हैं। नॉर्मली अंक घटते नहीं हैं, बच्चे पूछते हैं कि भैया कहीं अंक घट तो नहीं जाते हैं? जी नहीं, अंक घटते नहीं है, बढ़ रहे होते हैं तो बढ़ा दिए जाते हैं। बच्चों स्क्रूटनी या कॉपी रीचेकिंग में यह देखा जाता है कि आपके मार्क्स का जो टोटल है वो सही किया गया है या नहीं, कोई प्रश्न बिना चेक हुए तो नहीं रह गया, तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। अगर आपके नंबर बढ़ रहे होंगे, मान लीजिए कितने आए थे, 30 आए थे, आपको उम्मीद थी 65 की, 30 आए, मान लीजिए कोई प्रश्न आपके चेक होने से छूट गए थे, तो वहां पर आपके नंबर 55 या 60 अगर बढ़ गए होंगे तो वो अपडेट होके आ जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं अगर कोई गलती हुई होगी तो 30 के 30 ही बच्चों रहेंगे। तो स्क्रूटनी में आप कॉपी रीचेक करा सकते हैं अगर आप फेल हैं, या फिर आपको लगता है कि नंबर हैं वो उम्मीद से कम है, आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो कॉपियों की दोबारा चेकिंग यानी स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको ₹500 प्रति सब्जेक्ट फीस यहां पर भरनी होगी, ₹500 प्रति पेपर आपको फीस देनी होगी, जिससे आपकी कॉपी की रीचेकिंग कर दी जाएगी। सो इस तरह से यहां पर यूपी बोर्ड की पूरी समरी मैंने आपको बता दी है। ये रही वेबसाइट जिस पर आप अपना रिजल्ट देख पाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in और upresults.nic.in। सो
कितने परसेंट की आपने उम्मीद लगाई है कमेंट में जरूर बताना। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे थे, अपने जिले का नाम, अपने शहर या अपने गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। आपको कितने परसेंट की उम्मीद है क्लास 10th और 12th में अपनी क्लास, और परसेंट जितने की उम्मीद है आपको कमेंट में जरूर लिखना। बाकी कंपार्टमेंट एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, स्क्रूटनी, सभी का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे परीक्षा होगी, कब परीक्षा होगी, क्या तैयारी करनी होती है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पर भी आपको सारी अपडेट मिलेगी, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पेज पर भी आपको रिजल्ट से रिलेटेड और एजुकेशनल कंटेंट आपको मिल रहा है। तो इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम्स विद एमएस, आपको वहां पर सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी अपडेट्स के लिए।